नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली न्यू ऑफिशियल में। जी हाँ फ्रेंड, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आरआरबी ग्रुप डी 2018 से निकल के। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस होने वाले। जो फ्रेंड्स आप लोगों जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में थे, आप लोगों को वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, 11th स्टेज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आ चुका है। बहुत से कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में थे उनका कट ऑफ थोड़ा सा हल्का सा कम करके फ्रेंड को जो 11th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ऑफिशियल अपडेट भी आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, की रिगार्डिंग जो ऑफिशियल कट ऑफ भी जारी किया है किन किन कैंडिडेट का, जो फ्रेंड्स इस कट ऑफ से अगर ऊपर है तो फ्रेंड्स आप लोग डीवी के लिए जा सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स बहुत से कैंडिडेट को बुलाया गया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ऑफिशियल नोटिस में क्या है अपडेट। इससे पहले फ्रेंड्स चैनल पर नए, इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको रेगुलर इंटरव्यू मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की ओर। तो ऑफिशियल नोटिस देखने सबसे पहले फ्रेंड्स आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं फ्रेंड्स आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल नंबर 02/2018 Level 1 पोस्ट 7 CPC के हिसाब से यानी मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो कुछ इस प्रकार का प्रोफाइल आपके सामने खुले। पहला नोटिस देख सकते हैं आप लोग के लिए दिया, क्लिक हियर टू डाउनलोड नोटिस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 11th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी यहाँ पे जो जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनके लिए नोटिस आया 11th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करो फ्रेंड्स, इसको डाउनलोड कर लिए। देखिए इस प्रकार कुछ नोटिस आपके सामने खुले, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे। यहाँ पे देखिए नोटिस किसके रिगार्डिंग में देख सकते हैं, नोटिस टू एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ 11th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी 11th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जो कैंडिडेट उनके लिए नोटिस आया है, देख सकते हैं आप लोग। टोटल 78 यानी 78 कैंडिडेट को फ्रेंड्स में डीवी के लिए बुलाया गया, जिसमें 48 जनरल में, 17 ओबीसी में, 7 कैंडिडेट जो फ्रेंड्स एससी में और 6 कैंडिडेट जो एसटी में, जो कि डीवी के लिए बुलाया गया, जो कि 12th एंड 13th जुलाई यानी फ्रेंड्स 12-13 जुलाई को आपको उपस्थित हो जाना अपने डीवी वेन्यू पे, जहां पर आप लोगों को वेन्यू करवाया गया। यहां पे देख सकते हैं जो कि फ्रेंड्स इसमें कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिलेशन का नोटिस है। रॉन्ग लिंक जो कि फ्रेंड्स गया था एसएमएस द्वारा या ईमेल द्वारा, उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि देखिए 2 तारीख को जो फ्रेंड्स सम टेक्निकल यूज़ के कारण, मतलब कुछ कुछ कैंडिडेट जो हैं टेक्निकल इशू के कारण कुछ कुछ कैंडिडेट के पास जो फ्रेंड्स रॉन्ग ये इन्फॉर्मेशन चल गया था आरआरबी के द्वारा एसएमएस से या ईमेल द्वारा कि आप लोग जो कैंडिडेचर कैंसिल कर गए, पर फ्रेंड्स वो वाकई में कैंसिल नहीं हुआ, टेक्निकल एयर के चलते जो फ्रेंड्स वो कैंडिडेट के पास गया था वहाँ पर देखें उन्होंने अपोलोजाइज़ इसके रिगार्डिंग जो फ्रेंड्स उन्होंने इनकन्वीनियंस अपना व्यक्त किया यानी अपोलोजाइज उन्होंने किया है। न्यू एसएमएस यानी उसके रिगार्डिंग आप लोगों को फ्रेंड्स एक नया एसएमएस जो फ्रेंड्स आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दिया जाएगा, जो कि फ्रेंड्स आप लोग डीबी में बुलाया जाए, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को एक लिंक भी दे दिया जाएगा जो कि अपना डीबी के लिए अपना ई कॉल लेटर फ्रेंड्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स लिंक जहां से अपना ई कॉल लेटर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग का जो फ्रेंड्स लिंक एक्टिवेट कर दिया जा चुका अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए। देख सकते हैं कॉल लेटर फॉर 11th स्टेज नॉन पीडब्ल्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर 02/2018 फॉर 18-19 यानी फ्रेंड्स आप लोग जो लिंक एक्टिवेट कर दिया चुका, आप लोग यहाँ से अपना जो ई कॉल लेटर डीवी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्रेंड यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल रोल नंबर यानी रजिस्टर्ड रोल नंबर आप लोग को डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के यहाँ डाउनलोड ई कॉल लेटर पे क्लिक करना है, जो किसी आपका कॉल लेटर जो फ्रेंड डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पे आप लोग का वेन्यू लिखा रहेगा, कहाँ पे जाना आपका, कब मेडिकल होगा, फिजिकल तो हो चुका, कब मेडिकल होगा, सारा डेट वहाँ पे सारा कुछ वहाँ पे मेंशन किया रहेगा। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं ऑफिशियल कट ऑफ आरआरसी मुंबई के द्वारा कितना दिया गया है, जो कि फ्रेंड इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। चलिए ऑफिशियल कट ऑफ पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने फ्रेंड्स नोटिस डाउनलोड कर लिया है ऑफिशियल कट ऑफ के द्वारा, देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा हर स्टेज का। यहाँ पे देखिए आप लोगों जो फ्रेंड पहला स्टेज का जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट स्टेज का जो डीबी कराया गया उसमें 76 ओबीसी जनरल कैंडिडेट को बुलाया गया था फ्रेंड्स, ओबीसी को 73 बुलाया गया था, ये फ्रेंड फर्स्ट स्टेज का। फिर उसी तरह कट ऑफ कम करते करते यहाँ पे देखिए 11th स्टेज का डीबी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कितने कट ऑफ के लिए बुलाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी में उनका 72.28961 नंबर है, इससे ऊपर तो फ्रेंड लोग जा सकते हैं अपने डीवी के लिए। अगर ओबीसी कैंडिडेट फ्रेंड्स हैं आप तो 72.26249 इसके ऊपर अगर आपका नंबर बन रहा है, स्कोर बन रहा है, तो आप लोग जो 11th डीवी के लिए जा सकते हैं। वहीं फ्रेंड एससी की बात करें तो 64.66981 है, तो आप लोग जा सकते हैं डीवी के लिए। और फिर एसटी कैटेगरी में किसी कैंडिडेट का 63.76 के ऊपर नंबर है तो आप लोग अपना डीवी करवाने के लिए जा सकते हैं। ये फ्रेंड देख सकते हो ऑफिशियल कट ऑफ सारा दिया है, सब स्टेज पे कितने स्टेज पे कितना डीबी बुलाया गया। यहाँ पे 11th स्टेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है आरआरबी मुंबई में।
बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही था फ्रेंड, धन्यवाद और नमस्कार फ्रेंड्स।